हेलो कॉमरेड साहब, कैसे हैं आप? और आप आज का हम शुरू करते हैं 16 जनवरी के करंट अफेयर्स। तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि कल 15 जनवरी को कौन सा दिवस मनाया गया है। तो कौन सा दिवस मनाया गया है? भारतीय थल सेना दिवस या भारतीय सेना दिवस 15 जनवरी को मनाया गया है। यानी हाल ही में 15 जनवरी को, यानी हर साल मनाया जाता है भारतीय सेना दिवस या सेना दिवस या आर्मी डे मनाया जाता है 15 जनवरी को। और आज है 16 जनवरी। तो ठीक है, आज के करंट अफेयर्स हम शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन आपके सामने है, भारतीय रेलवे ने ट्रेन गार्ड का नाम बदलकर क्या कर दिया है? जो ट्रेन गार्ड हुआ करते थे पहले, उनका नाम बदलकर क्या कर दिया गया है? तो इसका जो जवाब है वो है ऑप्शन ए, ट्रेन मैनेजर। अब ट्रेन गार्ड को ट्रेन मैनेजर बोला जाएगा। अब भारतीय रेलवे की बात हुई तो रेलवे की स्थापना कब हुई थी भैया? रेलवे की स्थापना हुई थी कॉमरेड 16 अप्रैल 1853 को। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है रेलवे का, भारतीय रेलवे का? इसका नई दिल्ली में है। भारतीय रेलवे मंत्री कौन है? रेलवे केंद्रीय मंत्री कौन है? अश्विनी वैष्णव है। रेलवे बोर्ड के अध्यक्ष व CEO मैंने पिछले वीडियो में बताया था कौन है, VK त्रिपाठी, नए बनाए गए हैं अभी। और स्वतंत्र भारत के पहले रेल मंत्री कौन थे? जॉन मथाई। ठीक है कॉमरेड, तो ये हैं, ये थे इसके रेलवे से संबंधित फैक्ट्स। इसके बाद आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पर, सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने 8 सीटर व्हीकल के लिए कम से कम कितने एयरबैग अनिवार्य कर दिए हैं? तो भैया कॉमरेड, ये कल ही सूचना आई थी और नितिन गडकरी साहब ने जो कम से कम 8 सीटर वाली व्हीकल होती है उसके लिए कम से कम 6 एयरबैग अनिवार्य कर दिया। अब यानी जो 8 सीटर कार गाड़ियां आएंगी उनमें 6 एयरबैग होंगे। ये सड़क दुर्घटना से बचने के लिए ऐसा किया गया है। इसके बाद अगला क्वेश्चन आता है भैया, भारत का पहला सैनिटरी नेपकिन फ्री गांव, इंडियाज फर्स्ट सैनिटरी नेपकिन फ्री विलेज, कौन सा बनेगा? तो इसका जो जवाब है वो है ऑप्शन ए, कुम्बलांगी गाँव केरल। इसका जो जवाब है ये है कुम्बलांगी गाँव केरल, जो है भारत का पहला सैनिटरी नेपकिन फ्री गांव बनेगा। ठीक है, अब पहले की बात आई है तो भैया पहले का शुरू करते हैं। पहले में क्या क्या आता है तो फैक्ट्स हैं कुछ। भारत का पहला चलता फिरता सिनेमाघर यानी रोविंग सिनेमा हॉल कहाँ बनाया गया है? लेह लद्दाख में है। भारत का पहला ई वाहन अनुकूल राजमार्ग कहाँ बनाया गया है? कौन सा है राजमार्ग, कौन सा हाईवे है? चंडीगढ़ हाईवे है। इसके बाद भारत का पहला स्मोक टावर कहाँ लगाया गया है? ये है नई दिल्ली। ठीक है कॉमरेड, इसके बाद अगला है, सैटेलाइट फोन से लेस होने वाला देश का पहला राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? पहला नेशनल पार्क कौन सा है जिसमें सैटेलाइट फोन यूज किया गया है? तो कौन सा है कॉमरेड, वो है काजीरंगा नेशनल पार्क या काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान। इसके बाद अगला जो फैक्ट है वो है, भारत का पहला ड्रोन फोरेंसिक लैब एंड रिसर्च सेंटर कहाँ खोला गया है? तो ये है तिरुवनंतपुरम, जो कि केरल की राजधानी है। ठीक है कॉमरेड, इसके बाद अगला जो क्वेश्चन है वो आता है, ग्लोबल प्राइवेट बैंकिंग अवार्ड्स 2021 यानी ग्लोबल प्राइवेट बैंकिंग अवार्ड 2021 में भारत के किस बैंक को सर्वश्रेष्ठ निजी बैंक यानी बेस्ट प्राइवेट बैंक के रूप में नामित किया गया है? तो इसका जो जवाब है ऑप्शन डी, HDFC बैंक। ठीक है, इसके बाद अगला क्वेश्चन है कॉमरेड वो है, कौन सा राज्य पहली बार विश्व बधिर T20 क्रिकेट चैंपियनशिप यानी वर्ल्ड डीफ T20 क्रिकेट चैंपियनशिप 2023 की मेजबानी करेगा यानी होस्ट करेगा? तो कौन सा राज्य पहली बार इसे होस्ट करेगा? वो है ऑप्शन डी, केरल। ठीक है कॉमरेड, अब इसमें इसके बाद कुछ देशों के राष्ट्रपति बनाए गए हैं तो वो आपको ध्यान होने चाहिए। तो कौन कौन से अभी हाल ही में राष्ट्रपति बने हैं तो वो है, देखिए पहले अलेक्जेंडर लुकाशेंको जो कि बेलारूस के राष्ट्रपति हैं। इसके बाद है रोच मार्क क्रिश्चियन काबोर, ये एक ही नाम है कॉमरेड, रोच मार्क क्रिश्चियन काबोर, ये बुर्किना के नए राष्ट्रपति बने हैं। इसके बाद है डेम सेंड्रा मेसन, ये बारबाडोस के नए राष्ट्रपति बने हैं। इसके बाद है ग्रेब्रियल बोरिक जो कि चिली के
सबसे युवा राष्ट्रपति बने हैं। उसके बाद गवर्नमेंट अपना अलग वो आता है सेगमेंट, कि कौन सा सेगमेंट आता है, परीक्षा में उपयोग आने वाले उपयोगी प्रश्न, ठीक है, तो जो कि परीक्षा में हर बार पूछे जाते हैं और अमूमन पूछे ही जाते हैं, तो कौन से हैं। पहला क्वेश्चन है फीफा की स्थापना कहाँ हुई थी और कब हुई थी, तो फीफा की स्थापना जो फुटबॉल का संघ है तो उसकी स्थापना हुई थी पेरिस, जो कि फ्रांस में है, फ्रांस की राजधानी है, और 1904 में हुई थी। भारत सरकार, दूसरा है भारत सरकार की तरफ से न्यूनतम समर्थन मूल्य कौन तय करता है, जो MSP होती है जिसके लिए किसानों ने आंदोलन किया था और जीता भी था, सरकार को झुकना पड़ा था, तो वो MSP कौन तय करता है भारत सरकार की तरफ से, तो उसका जो जवाब वो है आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति। इसके बाद क्वेश्चन 3 है पेंटिंग माई मदर किसने बनाई थी, माई मदर पेंटिंग जो है वो किसकी बनाई हुई थी, वो है अवनींद्रनाथ टैगोर, ये इसका जवाब है। इसके बाद घाघरा और सोन किसकी सहायक नदियां हैं, तो घाघरा और सोन आपको मालूम होगा गंगा की सहायक नदियां हैं। इसके बाद अगला जो क्वेश्चन है जो पूछा जाता है मानव शरीर में प्रवेश करने वाले कीटाणुओं के खिलाफ रक्त का कौन सा घटक लड़ता है, यानी जो कीटाणु आते हैं हमारे शरीर में उनके उनसे लड़ाई कौन करता है, उनसे लड़ाई करता है WBC यानी व्हाइट ब्लड सेल यानी सफ़ेद रक्त कोशिकाएं, ठीक है। इसके बाद अगला है दिलवाड़ा का जैन मंदिर कहाँ पर है, माउंट आबू सिरोही राजस्थान में है, तो ये आपको जान करना है, याद रखना है, और इसी तरह हमारा ये प्रोग्राम चलता रहेगा, तब तक के लिए ध्यान रखें और सतर्क रहें सर्दी से। शुक्रिया।